जय जिनेन्द्र दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि प्रतिक्रमण क्या है तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि प्रतिक्रमण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर गंदा हुआ, स्नान किया, शरीर साफ हो गया, कपड़े मैले हो गए, धुलाई की, कपड़े साफ हो गए, घर अस्वच्छ हो गया, सफाई की, घर साफ हो गया, घर में शहर में कचरा ज़्यादा होता है, जागृति लाओ, शहर अच्छा हो गया, वे सब अच्छा दिखता है तो भी मैल रहने की संभावना रह जाती है, किंतु यदि आत्मा मलिन हो गई तो, पाप से भरी हो गई तो, खराब विचारों से अशांत बन गई तो, ऐसी आत्मा यदि प्रतिक्रमण करे तो पूर्ण तरह से स्वच्छ हो जाती है, निर्मल पवित्र बन जाती है। दोषों को धोने की वॉशिंग मशीन यानी प्रतिक्रमण, पापों को एकरार करने की कोट यानी प्रतिक्रमण, प्रायश्चित की पावन गंगा यानी प्रतिक्रमण, परमात्मा के साथ डायरेक्ट डायलिंग कराने वाला मोबाइल नंबर यानी प्रतिक्रमण, अनंत तीर्थंकरों की प्रथम देशना यानी प्रतिक्रमण। क्या आपको पता है प्रतिक्रमण की क्या आवश्यकता है? What is the need of प्रतिक्रमण? I tell you, तीर्थंकर की आज्ञा का पालन करने के लिए, मोक्ष मार्ग की आराधना करने के लिए, आराधक बनने के लिए, देव गुरु और धर्म की शरण स्वीकार करने के लिए, किए हुए पाप कर्मों की निर्जरा करने के लिए, जीव के साथ मैत्री भाव करने के लिए प्रतिक्रमण बहुत ज़रूरी है। आपको बताती हूँ कि प्रतिक्रमण के क्या लाभ और फायदे होते हैं। आने वाले पाप अटकते हैं, चरित्र निर्मल बनता है और आठों कर्म की निर्जरा होती है। स्वाध्याय से ज्ञानवर्णीय कर्म की निर्जरा होती है। स्वाध्याय में उत्कृष्ट रस आने पर तीर्थंकर नाम कर्म का बोध होता है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, आराधक बनते हैं। इस कारण प्रतिक्रमण एक ऐसा आराधक ग्रंथ है जिसकी वजह से हम मोक्ष खजाने को प्राप्त कर सकते हैं।